पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या क्या समस्या आ रही थी अपनी डिस्कवर 125 के साथ आफ्टर 2000 किलोमीटर्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप देख लीजिए पहले कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये लगभग 3729 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसके बाद मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो मेरे साथ में इस बाइक में बहुत सारी समस्याएँ थी, लेकिन जब मैं इसके बाद सर्विस सेंटर पर गया, मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई और ज़्यादातर मेरी प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं। तो अब सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं मान, तो जो पहली समस्या है या फिर मैं कहूँ जो इकलौती समस्या मुझे इस बाइक में लग रही है, वो लग रही है वाइब्रेशन, वो भी सिर्फ 60 से 70 की स्पीड के बीच में। ना उससे पहले इस बाइक में वाइब्रेशन है, ना उसके बाद में वाइब्रेशन है। हाँ, उसके बीच में थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, लेकिन आप इतनी दिक्कत नहीं होती उसमें। और 70 के बाद इतनी स्मूथ हो जाती है बाइक कि आप उसे 80 पे चलाएंगे और 85 पे चलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती इस बाइक में। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो और इससे पहले वीडियो में मैंने जो आपको समस्याएं बताई थी उसकी, जैसे कि कार्बोरेटर की दिक्कत या फिर मैं कहूँ कि माइलेज की दिक्कत, वो सारी दिक्कत दूर हो चुकी हैं कार्बोरेटर की सेटिंग के द्वारा। और इन सबको कैसे दूर किया मैं आपको आई बटन में एक लिंक दे दूँगा, और पिछली वीडियो की जो सारी समस्या थी मैं उस वाली वीडियो का भी आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सारी जो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन था मैंने पुरानी वाली वीडियो में उसका लिंक दे रखा है कि आप कैसे किस तरह सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह आप कार्बोरेटर की सेटिंग कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप उस चीज़ में देख सकते हैं। और अब मैं कहूँगा कि ये बाइक लगभग परफेक्ट है अगर किसी को 125cc बाइक लेनी है। तो इसकी कीमत भी सबसे कम है 125cc की कैटेगरी में, और अब इसमें कोई समस्या भी नहीं है खास। तो पिछली वीडियो के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि आपकी बाइक इतनी ख़राब कंडीशन में है, आप उसे मेंटेन नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बाइक में जो समस्याएँ थी वो सर्विस सेंटर की तरफ से थी, क्योंकि उन्होंने दो सर्विस ठीक से नहीं की थी। तो अब जब मैं उनके पास 3 बार कंप्लेन करी मैंने बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो कस्टमर केयर का ईमेल है उस पर जाके कंप्लेन करी, तब उन्होंने मेरी समस्या को सुना और फिर समाधान किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी बाइक को मेंटेन नहीं करता हूँ। तो और इससे पता चलता है कि मैं अपनी बाइक को मेंटेन करता हूँ, कि इसका माइलेज भी मुझे 60 to 65 मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 60 से 70 के बीच में चलाने वाइब्रेशन के अलावा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरी पुरानी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।